हमारा ब्रेथ है. दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट टू लिव. बेसिकली यू नीड योर ब्रेथ टू बी विद यू. इफ दैट्स देयर यू आर देयर, अदरवाइज यू आर नॉट देयर, राइट? सो आप अगर ब्रेथ का आपका कंट्रोल है, देन योर माइंड इज इन कंट्रोल. एंड इफ योर माइंड इज इन कंट्रोल, योर ब्रेथ इज इन प्रॉपर सिंक विद योर फिजिकल बॉडी एंड योर इमोशनल बॉडी. क्योंकि मेंटल डिस्टर्बेंस ज्यादातर हमारी इमोशनल बॉडी से आते हैं. वी हैव फोर मेजर बॉडी: फिजिकल बॉडी, इमोशनल बॉडी, मेंटल बॉडी एंड द स्पिरिचुअल बॉडी. तो जो हमारी मेंटल बॉडी है उसको सिंक्रोनाइज करने के लिए फिजिकल बॉडी के साथ में बहुत जरूरी है कि हमारा ब्रेथ वर्क हम काम अच्छे से करें. तो हम कुछ प्राणायाम होते हैं, उन टेक्निक्स को फॉलो करते हैं. तो एग्जैक्टली दिस इज व्हाट आई डिड. कुछ योगासन जो बहुत रेस्टोरेटिव योगासन होते हैं, जैसे कि पादहस्तासना है. आधे से ज्यादा फॉरवर्ड फोल्ड बहुत अच्छे होते हैं इस मामले में. पादहस्तासना या अधोमुख स्वानासना, बालासना, ट्विस्टिंग पॉस्चर, जो माइल्ड ट्विस्टिंग पॉस्चर होते हैं, दैट ऑल्सो वर्क वंडरफुली ऑन योर माइंड. सूर्य नमस्कार इज वन ऑफ द टेक्निक विच वर्क वंडरफुली ऑन योर फिजिकल बॉडी, योर मेंटल बॉडी, इमोशनल बॉडी एज वेल एज योर स्पिरिचुअल बॉडी. सो दिस कॉम्बिनेशन ऑफ द आसना एंड ब्रेथ वर्क कीप्स योर माइंड काम एंड रिलैक्स. सबसे इम्पोर्टेंट बात सूर्य नमस्कार के बारे में, अलाइनमेंट. आप प्रॉपर अलाइनमेंट पे काम कीजिए, उसके बाद अपना पेस बढ़ाने की कोशिश कीजिए. एकदम शुरुआत में ही बहुत ज्यादा रैपिडली शुरू मत कीजिए. पहले एक दो बारा प्रैक्टिस कीजिए कि आप धीरे धीरे करके प्रॉपर अलाइनमेंट पे काम कर लें, एंड देन गो विद द हाई पेस. मतलब स्पीड आप बढ़ा सकते हैं आपके सूर्य नमस्कार की. डिपेंड कि आप सिर्फ सूर्य नमस्कार प्रैक्टिस कर रहे हैं या सूर्य नमस्कार के साथ बाकी आसन भी प्रैक्टिस कर रहे हैं. अगर आप दूसरे आसन प्रैक्टिस करने वाले हैं तो 3 सेट्स ऑफ सूर्य नमस्कार टू वार्म अप योर कंप्लीट बॉडी. एक्चुअली बहुत अच्छा वार्म अप भी है हमारे सारे आसन से पहले प्रैक्टिस करने के लिए. तो आप सूर्य नमस्कार के 3 सेट्स यानी कि 6 राउंड्स प्रैक्टिस कीजिए. आप 5 भी कर सकते हैं, 5 सेट यानी कि 10 राउंड. तो कभी कभी 10 राउंड लोगों को ज्यादा लगते हैं, इसलिए मैंने 6 पे शुरुआत की है. उसके बाद यू कैन कंटिन्यू विद योर आसना प्रैक्टिस. बट अगर आप सिर्फ सूर्य नमस्कार प्रैक्टिस कर रहे हैं, देन यू शुड एटलीस्ट डू 11 सेट्स यानी कि 22 राउंड्स ऑफ सूर्य नमस्कार. एंड ग्रेजुअली यू कैन इंक्रीज इट विद एवरी सिंगल डे. सो प्रॉब्ली 2 2 और 3 3, हर बार आप बढ़ाते जाइए सेट, नॉट जस्ट द राउंड. और इस तरह से आपकी स्टैमिना बहुत बढ़ जाएगी. साथ ही आपका जो फ्लेक्सिबिलिटी है, स्ट्रेंथ बॉडी की, वो भी बहुत इंक्रीज हो जाती है. एक और बहुत कॉमन सा क्वेश्चन लोग पूछते हैं मुझसे आजकल, वेट लॉस के लिए कौन सा योगासना करना चाहिए? वेट लॉस करना है बहुत जल्दी से, विच आई ऑलवेज से कि वेट लॉस शुड नेवर बी द गोल. बट अगर वो भी गोल है और इस वजह से भी आप योगा में हैं तो भी कोई बुराई नहीं है. बिकॉज इफ यू आर देयर डूइंग योगासना फॉर वट एवर रीजन, इट इज ओनली फॉर योर गुड. तो आप उस तरह से भी कर सकते हैं. अगर आप वेट लॉस के लिए सूर्य नमस्कार कर रहे हैं तब तो आप 50 सेट्स भी कीजिए, देन ऑल्सो इट इज फाइन.